अस्सलाम वालेकुम हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में आपके साथ ज़र्निश खान के साथ रिलेटेड न्यूज़ शेयर करेंगे, बट उससे पहले जो चैनल पे न्यू है वो काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। आज की वीडियो ज़र्निश खान से रिलेटेड है। ज़र्निश खान कौन है? एक फेमस पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, बहुत से ड्रामाज में काम कर चुकी हैं और उनकी एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद है। उनकी फेमस ड्रामाज में इश्क ज़हन नसीब और साथ में तू जो चाहे, ये ड्रामा उनके ब्लॉकबस्टर ड्रामाज रहे हैं क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और लोग उनके फैंस ने उन्हें बहुत पसंद किया है। ज़र्निश खान अपनी एक्टिंग स्किल्स की वजह से, उसके साथ डांसिंग सिंगिंग की वजह से और फ़न वीडियो जो वो बनाती हैं BTS फ़न वीडियो का, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है फैंस में, लोग उसकी वजह से भी उन्हें पसंद करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा तकीद का निशाना बनाया था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक थग्स ऑफ हिंदुस्तान एक मूवी थी जिसमें कैटरीना कैफ का करेक्टर सुरैया उन्होंने वो अडॉप्ट किया था और उसी पे बेस्ड उन्होंने एक्टिंग की थी, यानी कि पीछे सॉन्ग चल रहा था और वो एक्ट कर रही थी। इवन उनका मेकअप हुआ था और आर्टिस्ट भी परेशान थी, मेकअप आर्टिस्ट भी, जिसपे लोगों का कहना था फजूल तरीन, बहुत बकवास एक्टिंग लग रही है। आजकल लोगों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, पहले क्या नज़र आते हैं और अब क्या। उसके साथ साथ भी लोगों का ये भी कहना था कि जितनी ये खूबसूरत हमें लगती हैं अब वो वैसी नहीं रही। लोगों का ये भी कहना था कि ये बहुत खूबसूरत है, बहुत से उनके फैंस ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था, बट उसके साथ साथ मैनी ऑफ फैंस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स भी पेश किए थे। उनका कहना है कि वो ओवर एक्टिंग कर रही हैं अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, लेकिन ये एक फजूल तरीन हरकत है। उसके साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। अगर आप ज़र्निश खान के साथ उनके काफ़ी ज़्यादा उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं, उनके फ़ैन हैं, सो कमेंट सेक्शन में रिव्यू दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।